हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है झारखंड कंबाइंड में, और जो कि पॉसिबल है कि जून के महीने में हो सकता है। रीजन ये है क्योंकि इलेक्शन बीच में था, जिसके वजह से अभी एग्जाम को डिले किया गया था। बट एज पॉसिबल आप लोगों का फॉर्म हो सकता है कि जून में आ जाए और जुलाई तक ये एग्जाम संपन्न हो जाए। ठीक है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं बात करने आया हूं कि बीएससी नर्सिंग का आखिर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड कंबाइंड की ओर से अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सिलेबस शेयर नहीं किया गया है आप लोगों से, जिसमें आप लोगों को चैप्टर का वेटेज पता चले। चैप्टर का वेटेज क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग जान लीजिए कि किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे अगर हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो लिविंग वर्ल्ड से हो सकता है 5 क्वेश्चन आते हों हर साल, तो ये इस तरह का वेटेज होता है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि बीएससी नर्सिंग का टॉपिक जो रिपीटेड है, हर साल रिपीट होता है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बेहद ज्यादा हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो भी पोर्शन है उस पर मैं बात करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं आप लोगों से फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसमें से सबसे ज्यादा चैप्टर से पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फिजिक्स का आपका थ्योरी नोट्स आप लोग पहले तो बनाओ। थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरी से क्वेश्चन भी आता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ न्यूमेरिकल्स आता है, तो ऐसा नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बेसिक वन लाइन फॉर्मूला जो भी होता है वो सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वन लाइन फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा यूनिट पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, मैं हमेशा कहता हूं ऐसा यूनिट पे फोकस करना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, एटम से क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आएगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का थ्योरी आता है, एन टाइप पी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिक गेट का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन 100% रहेगा, इमेज फॉर्मेशन इन मिरर एंड लेंस ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा लेंस के थ्रू, ये सबसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्क एनर्जी पावर सबसे फेवरेट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको देखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंटिस्ट नेम एंड डिस्कवरी फ्रॉम एनसीईआरटी एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स है उसके बेसिक थ्योरी कम से कम पढ़ लीजिएगा आप लोग, बेसिक थ्योरी कम से कम। ठीक है, थ्योरी ज्यादा आता है न्यूमेरिकल, 7-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और वो भी वन लाइनर होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे पूरा नहीं लग जाना है आपको, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, एज कम्पेयर टू नीट से भी अच्छा क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम हाइपर हो गए हैं और क्वेश्चंस पूरा बनाए जा रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इजी ही रहता है एज कम्पेयर टू नीट। हाँ, थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड होता है बट क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो पीरियोडिक टेबल इसमें इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड नेम, साइज, ये सब पूछा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आएगा, बेसिक एनसीईआरटी टेबल जो है आपके बुक में दिया हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल्स उनके पढ़ लीजिएगा, बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूला जो होता है वन लाइनर, ये भी आप पढ़िएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, कुछ मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी रीड करे बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, बस आप एनसीईआरटी रीड कीजिए और उसी से आपको इंपॉर्टेंट सारा मिलता चला जाएगा। ठीक है, नोट्स नहीं भी पढ़िएगा तो भी जरूरत नहीं है, नोट्स ऐसा नहीं है कि आप पूरा बड़ा बड़ा मोटा मोटा नोट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो, इनफ होगा इस एग्जाम के लिए।
ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में जो भी बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है, मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखा होता है, आपने देखा है कि कुछ कुछ अलग लिखा रहता है, कुछ थोड़ा बोल्ड लिखा रहता है, तो वो सबको क्या करना है, आप लोगों को याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, इतना ही आई थिंक इनफ है। ठीक है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर अभी एक स्टूडेंट से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, 2023 के सेशन के हैं, उन्होंने भी कहा है पेपर बहुत इजी आता है, 100 मार्क्स आया था उनका, सिलेक्शन हुआ है रिम्स में, अभी एडमिशन उनका वहां पे हुआ हुआ है, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। ठीक है, टफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा आप एनसीईआरटी में कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में तो इनफ होगा। नेक्स्ट है बायो के लिए, तो हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कंप्लीट यूनिट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देयर आर मस्ट टू डू चैप्टर्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं कि बायो को कोशिश कीजिए कि पार्ट वाइज खत्म करने का। देखो, एक दिन में दो चैप्टर पढ़ा जा सकता है, आई थिंक इतना तो समय है आपके पास कि एक दिन में दो चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी भी एग्जाम को समय है, लगभग 45 डेज या 30 डेज समय अभी भी है, आप बिल्कुल अभी भी पढ़ सकते हैं, हर दिन दो चैप्टर भी पढ़ेंगे तो बायो में इनफ है। ठीक है, बट यही है कि पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहां नहीं समझ में आया होगा वो आप पूछ लीजिएगा नर्सिंग में। ठीक है, चलिएगा इस पर। ठीक है, इसी चीज को आप ठीक कर लीजिए अपने डेली लाइफ में और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।